हेलो फ्रेंड्स, मैं सत्या पांडे माया क्रिएटिव गार्डन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जो मेरे मित्र इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे मैं एक छोटा सा अनुरोध करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी जो भी नई वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरी अगली वीडियो को देख पाएँ। तो दोस्तों, आज है संडे और संडे हम अपने गार्डन का छोटा सा आपको ओवरव्यू दे रहे हैं, आपको दिखाना चाहते हैं कि कौन कौन से फूल अभी हमारे गार्डन में खिले हुए हैं और कौन कौन सी कटिंग हमने लगाई हुई हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और ये देखिए दोस्तों, ये मैंने अभी जो है पानी की जो बॉटल आती है या पेप्सी वगैरह की बॉटल आती है उसे कट करके मैंने इसमें जेट प्लांट की कटिंग लगाई हुई है। इस तरह से जो है हम लोग अपने घर में जो यूज़ वेस्ट बॉटल्स वगैरह होती हैं उसका उपयोग हम अपने गार्डन में इस प्रकार कर सकते हैं। और यहाँ पर भी मैंने ये बॉटल बना की कटिंग करके लगाई हुई है, इसमें मैंने मॉस रोज़ की कटिंग लगाई हुई है। और ये देखिए, मॉस रोज़ में जो है अभी शाम का टाइम है तो फूल अभी नहीं खिले हैं इसमें, क्योंकि इनका खिलने का जो समय होता है वो सुबह का होता है। सुबह जो है इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। ये देखिए, बहुत ही प्यारे प्यारे कलर होते हैं इसके अंदर जो कि कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। और यहाँ पर भी ये देखिए, ये वही बिस्लरी की बॉटल और पानी की बॉटल या पेप्सी की बॉटल, उसे कट करके इसमें मैंने जेट की कटिंग लगाई हुई है। यहाँ पर भी ये देखिए, कटिंग करके जो है प्लांटर बना के मॉसरोज़ की कटिंग लगाई हुई है। यहाँ पर भी बॉटल का यूज़ किया हुआ है और इसमें मैंने मॉसरोज़ की कटिंग लगाई हुई है। और इसमें ये सदाबहार देसी जो कि बीजों से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं, जहाँ भी इनके बीज गिरते हैं वहीं से जो ये पौधा जो है ग्रो हो जाता है। ये मेरे प्लांटर्स हैं। ये देखिए, हैंगिंग बास्केट जिसमें मैंने मॉसरोज़ लगाए हुए हैं। और ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारे प्यारे कलर, पिंक कलर। और यहाँ पे भी ये सदाबहार, ये प्लांटर। और यहाँ पे देखिए, ये मैंने वॉल पे कुछ इस तरीके से प्लांट्स रखे हुए हैं, पत्थर चट्टा है, एलोवेरा है, स्नेक प्लांट है। और ये देखिए, ये करवा चौथ में जो हम लोग जल चढ़ाने के लिए मटकी लेके आते हैं उसका उपयोग भी किया हुआ है गार्डन में। और देखिए, इसमें स्नेक प्लांट और सेंसिवीरिया इस तरह ग्रो किया हुआ है मैंने, ये देखिए। और यहाँ पर ये देखिए, सब बॉटल्स में ये देखिए, ये भी मटकी का उपयोग किया हुआ है। ये देखिए, सब में मैंने जो है कैक्टस लगाया हुआ है, ये भी बॉटल्स में स्नेक प्लांट जेट प्लांट लगाए हुए हैं, ये देख सकते हैं। ये देखिए, सारी बॉटल्स का उपयोग किया हुआ है गार्डन में, ये देखिए। और यहाँ पे है ये फरकरिया और ये ड्रेसिना, ये देखिए। फरकरिया एक परमानेंट प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत है। और ये रियू प्लांट जिसे बोटेली कहा जाता है, कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। ये डेविल बैकबोन है, इसकी भी मैंने कटिंग लगाई हुई है और ये भी कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। ये है जूही, और जूही में अभी जो है कलियां बन रही हैं, बहुत ही खुशबूदार पौधा है जूही का, ये परमानेंट प्लांट है। और ये मोगरा है, मोगरा में भी कलियाँ बन रही हैं। और ये गुड़हल है, गुड़हल में बहुत अच्छे से फूल आया हुआ है और ये कलियाँ इसमें बनी हुई हैं, ये देखेंगे आप। ये हिमेलिया है, हिमेलिया भी एक परमानेंट प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं इसके फूल। और ये डेसिना है जिसे हम, अब देखिए नीचे से एक और इसमें ग्रो हो रहा है बेबी प्लांट, इसे हम सेपरेट करके न्यू प्लांट बना सकते हैं। और ये मेरा अलमंडा है, और ये गुड़हल एक और है लेकिन अभी फ्लावरिंग नहीं है इसमें, बहुत छोटा सा था अभी लिया है और बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो गई है इसकी। और यहाँ पे भिंडी है, ये देखिए, ये मेरी बैगन की पौध हैं। यहाँ पर भी भिंडी आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये भिंडी है, ये देखिए, यहाँ पर भी भिंडी। और ये नागचंपा, नागचंपा में बहुत अच्छे से फूल आ रहे हैं, बंचों में फूल हैं, ये देखिए। ये पौधा आप ज़रूर लगाइए अपने गार्डन में, अगर आप इस तरीके के खूबसूरत फूल अपने गार्डन में देखना चाहते हैं तो। ये भी परमानेंट प्लांट है, और गुच्छों में जो है इसमें फूल आते हैं, ये देखिए, ये बंचों में कलियां हैं इसके अंदर, फूल हैं। तो मैं यहाँ से आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ढेरों फूल एक ही पौधे में,
ये देखिए, तो ये देखिए, ये मेरा बैंगन का पौध है यहाँ पर, ये देखेंगे, और यहाँ पे क्लांचो, ये देखिए, जिसको अब हम सर्दियों के लिए तैयार करेंगे। और कटिंग से बहुत आसानी से जो है ये प्लांट ग्रो हो जाता है, बहुत सुंदर फूल आते हैं इसमें। और यहाँ पे भी कुछ मैंने ये बॉटल्स में प्लांट लगाए हुए हैं, ये देखिए छोटी छोटी बॉटल, ये चेन प्लांट, गोल्डन हैच, ये देखिए। और यहाँ पे है ये सदाबहार, ये सदाबहार हाइब्रिड, जिसमें बहुत अच्छे से फूल आ रहे हैं, ये देखिए। ये भी बीज से ही तैयार हुआ पौधा है, ये देखिए। और यहाँ पर भी ये भी बीज से तैयार हुआ हुआ पौधा है, ये देखिए हाइब्रिड है, ये देखिए ये। और यहाँ पे मेरे जड हैं, ये टब में मैंने बहुत सारे प्लांट एक ही साथ लगाए हैं, ये मैं बोनसाई बना रही हूँ। और ये देखिए ये सारी जड हैं, ये देखिए ये सदाबहार, ये टोपियारी बनाने की तैयारी में हूँ मैं इसमें, और आप देख सकते हैं। और ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर भी मेरे प्लांट्स हैं, ये देखिए रेन लिली। और ये मैंने कुछ अभी प्लांटर्स, ये अभी रियू का प्लांट मैंने छोटी सी बॉटल में लगाया है, ये देखिए बोट लिली कटिंग से लगाया है, ये भी पेप्सी की बॉटल है, ये देखिए ये पर्पल हार्ट है, जो कि कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है, और उसमें प्यारे प्यारे फूल भी आते हैं कुछ इस तरह पर्पल कलर की। और ये डेविल बैकबोन, ये रियू का प्लांट, ये गोल्डन हैच, ये फेरकेरिया, ये पेंडिनेंस, अगेव, ये देखिए, ये देखिए ये एलिफेंट ईयर, ये चमेली का पौधा है, और कटिंग से लगाया हुआ है मैंने दोस्तों ये प्लांट। मैं आपको दिखाती हूँ, इसकी वीडियो भी मैंने बनाई है, और ये प्लांट मैंने कटिंग से लगाया है, और देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हो गई है इस प्लांट की, ये देखिए, ये कटिंग से लगाया हुआ पौधा है, इसके ऊपर मैंने अपना वीडियो बनाया है जबकि ये कटिंग मैंने लगाई थी, ये देखिए। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ भी ये कटिंग लगाई हुई है मैंने, मैक्सिन पिटोनिया, ये गुलदाउदी है। तो बस यहीं से एंड करेंगे दोस्तों, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाता है। और कुछ इस प्रकार से है गार्डन, ये देखिए। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है